हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गॉड फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर स्टडिंग अवर सोशल स्टडीज बुक ऑफ क्लास सिक्स इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारी सिक्स क्लास की सोशल स्टडीज बुक। एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड वन लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट ऑफ दिस बुक। इस बुक का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें से वन लेसन कंप्लीट हम कर चुके हैं एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ जियोग्राफी पार्ट इन दिनों में हम लोग जियोग्राफी का जो पार्ट है उसका फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं एंड इट इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन ऑफ जियोग्राफिकल पार्ट। ये जो इस बुक में जियोग्राफी का जो पार्ट दिया हुआ है उसका ये फर्स्ट लेसन है और इस फर्स्ट लेसन का ये सेकंड वीडियो है। द लेसन इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ये जो लेसन है वो है पृथ्वी और सौर परिवार। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में सौर परिवार के बारे में, यानी सोलर सिस्टम के बारे में। इन द फर्स्ट वीडियो, पहले वीडियो में आई हैव गिवन यू सम रिटन वर्क। मैंने कुछ आपको रिटन वर्क दिया था एंड वी हैव स्टडीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस लेसन का जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो स्टडी कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर नेक्स्ट पॉइंट। और इस लेसन का जो अगला पॉइंट है वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज स्टार्स, यानी तारे। एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, देर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई वी आर सींग टूडे, वी आर सींग एवरी डे एवरी नाइट। हर एक रात को हम लोग देखते हैं आसमान में बहुत सारे तारे। तारों से हम लोग इंट्रोड्यूस्ड हैं, परिचित हैं। तो ये तारे क्या हैं, इनके बारे में आइए स्टडी करते हैं। ए हेवनली बॉडी, एक खगोलीय पिंड। हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में, कि हम इनको हेवनली बॉडी भी कह सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज भी कह सकते हैं। ए हेवनली बॉडी, एक खगोलीय पिंड या आसमान में रहने वाला एक पिंड, दैट ग्लोज, जो चमकता है ब्राइटली, यानी तेजी से, जो तेजी से चमकता है, ऐसी हेवनली बॉडी, बाय प्रोड्यूसिंग, उत्पादित करके यानी निकाल करके, इट्स ओवन हीट एंड लाइट, इसकी खुद की हीट यानी गर्मी एंड लाइट यानी प्रकाश। ऐसी हेवनली बॉडी जो अपना खुद का प्रकाश यानी अपने अंदर से हीट यानी गर्मी और लाइट ये प्रोड्यूस करती है, ऐसी हेवनली बॉडी जो हीट और लाइट अपने अंदर से प्रोड्यूस करती है, निकालती है, इज कॉल्ड, कहलाती है ए स्टार, एक तारा। ऐसी जो हेवनली बॉडी है जिसके अंदर से यानी खुद के अंदर से, देखिए कुछ ऐसे भी हेवनली बॉडीज होते हैं जो चमकते तो हैं लेकिन वो खुद के अंदर से नहीं निकालते वो लाइट, वो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हम फर्स्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। जैसे मून है, मून हमें ब्राइट दिखाई देता है लेकिन ये उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, सन की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजता है तो हमें वो लाइटेंड दिखाई देता है, यानी चमकता हुआ दिखाई देता है, ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है उन बॉडीज की, उन हेवनली बॉडीज की, जो अपने खुद के अंदर से हीट और लाइट यानी गर्मी और प्रकाश प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस यानी उत्पादित करते हैं या निकालते हैं। ऐसी जो हेवनली बॉडीज होती है वो स्टार्स कहलाती है। फिर से मैं एक बार रीड करना चाहूंगा, ए हेवनली बॉडी दैट ग्लो, दैट ग्लोज यानी जो चमकती है ब्राइटली यानी तेजी से, बाय प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करते हुए यानी निकालते हुए, इट्स ओवन हीट एंड लाइट, इसकी खुद की हीट यानी गर्मी एंड लाइट यानी प्रकाश, इज कॉल्ड ए स्टार, उसको एक स्टार कहते हैं। स्टार्स आर बर्निंग मासेज ऑफ गैसेज, जो स्टार्स होते हैं वो जलते हुए, बर्निंग यानी जलते हुए,
मासेज ऑफ गैसेज यानी गैसों का समूह है, यानी एक तरह की वो गैसें हैं उसके अंदर, गैसेज का मास यानी एक तरह तरह की गैसों का एक द्रव्यमान। वैसे मास का मतलब द्रव्यमान होता है, भार होता है, लेकिन यहां पर इसका जो सेंस है वो है समूह। वो कई प्रकार की जलती हुई गैसों का एक समूह होता है, तारा जो स्टार होता है। मासेज ऑफ गैसेज विच प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करती है, निकालती है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, बड़ी मात्रा, विशाल मात्रा ऑफ हीट एंड लाइट, गर्मी और प्रकाश की। स्टार्स क्या है? ये एक बर्निंग मासेज ऑफ गैसेज है, यानी जलती हुई गैसों का समूह है ये तारे, जो कि बड़ी मात्रा में यानी इन ह्यूज अमाउंट, एक बड़ी मात्रा में जो कि लाइट और हीट को प्रोड्यूस करते हैं। द सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। जैसे आसमान में हम देखते हैं तो तारे तो छोटे छोटे दिखते हैं, सूरज बड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में क्या है कि सूरज हमारे नजदीक है इसलिए बड़ा दिखता है। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं और सूरज से भी तेज चमकने वाले हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं इसलिए वो छोटे दिखते हैं। द सन इज ए स्टार, सन एक स्टार है, लोकेटेड एट द सेंटर, जो कि स्थित है एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सौर परिवार है। देखिए, हमने पढ़ा है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, एक एक गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम होते हैं, उस एक एक सोलर सिस्टम में कई प्लैनेट होते हैं और कई अदर बॉडीज होती हैं। तो यहां पर केवल सोलर सिस्टम की बात हो रही है, यहां कोई यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है। यूनिवर्स तो इन्फिनिटिव है, यानी अनंत है वो, तो ब्रह्मांड। उस इन्फिनिटिव यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, यानी तारों की, बहुत सारे गैलेक्सीज का मतलब है तारा समूह, या एक तरह से तारों की नदी है, नदियां हैं उस ब्रह्मांड में। उन गैलेक्सीज के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम हैं और उसमें से हमारा भी एक सोलर सिस्टम है, जिसमें कि सूरज है, इसके प्लैनेट हैं और कई अलग और दूसरी अदर बॉडीज हैं। तो अभी बात कर रहे हैं हम अपने सोलर सिस्टम की। द नियरेस्ट द सन इज ए स्टार, सूर्य एक स्टार है, लोकेटेड, जो स्थित है एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में ये लोकेटेड है। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारे सौर परिवार के केंद्र में, सेंटर में ये सन लोकेटेड है, सूर्य स्थित है। द नियरेस्ट स्टार्स, सबसे नजदीक, देखो नियर यानी होता है नजदीक, नियरेस्ट यानी सबसे नजदीक। द नियरेस्ट स्टार्स, सबसे नजदीकी तारे टू अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो कौन कौन हैं? आर यानी हैं अल्फा सेंटोरी एंड प्रोक्सीमा सेंटोरी। ये दो तारे जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नियरेस्ट हैं, सबसे पास में हैं। लाखों तारे हैं उसमें से नजदीक के, जो सोलर सिस्टम के नजदीक की बात हो रही है यहां पर, अर्थ के नजदीक या सन के नजदीक नहीं कहा गया है, यहां पर सोलर सिस्टम के नियरेस्ट जो स्टार है वो अल्फा सेंटोरी और प्रोक्सीमा सेंटोरी, ये नाम है दो स्टार्स के, ये सबसे नियरेस्ट हैं हमारे सोलर सिस्टम के, विच आर अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अवर सन, जो हमारे सूर्य से 4.3 लाइट ईयर्स दूर हैं। लाइट ईयर्स का मैंने पिछली बार भी बताया था कि लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है। अगर कोई लाइट की जो रे है, किरण है, वो चली, अब आप कितना तेज चलती है लाइट, आपको मैंने पिछली बार भी इसका एग्जाम्पल दिया था कि लावठा के पर्वत पर अगर कोई बिजली का बल्ब ऑन किया जाता है तो आपको अपने घर की छत से वो तुरंत ही दिखाई दे जाएगा। अब सोचिए लाइट कितनी तेज चलती है, उस इतनी तेज चलती हुई लाइट एक साल में कितनी दूरी तय करती है, वो एक प्रकाश वर्ष कहलाता है।
तो ये लाइट ईयर, इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं इसको, प्रकाश वर्ष। तो धरती सूर्य से ये जो तारे हैं जो सबसे नजदीक हैं, ये 4.3 लाइट ईयर्स अवे है, ये 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है ये तारे। अब सोचिए जो सबसे नजदीक के हैं वही इतने दूर हैं, तो बाकी तो कितने दूर होंगे। यहां पर एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए गोल गोल ऐसा घूमता हुआ। देयर आर अबाउट, अब ये क्या है, ये है 10 10 लैक्स, ये 10 लैक्स लिखे हुए हैं, 10 लैक्स मिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे। देखिए हमारा, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। ऐसी होती है गैलेक्सी, ये गैलेक्सी है एक, इसमें बहुत ही अरबों खरबों तारे हैं, एक गैलेक्सी है ये। ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स का तो कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटिव है वो। ये इस तरह की जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में कई सोलर सिस्टम हैं, कई सारे सोलर सिस्टम हैं, उसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा भी है। तो ये इसमें एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं, 10 लैक्स मिलियन, और 1 मिलियन 10 लैक्स का होता है, 1 मिलियन में ही 10 लैक्स होते हैं, और ये 10 लैक्स मिलियन है। तो 10 लैक्स को 10 लैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलियन, 100 आएगा, 100 10 लैक्स मिलियंस हैं ये, 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, तो 10 लैक्स इंटू 10 लैक्स, ईयर्स ईयर्स आ जाएगा वो। तो इतने तारे हैं एक गैलेक्सी में। देर आर अबाउट 10 लैक्स मिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे। ये मिल्की वे हमारी वाली गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम है ना, उसका नाम रखा हुआ है मिल्की वे। तो ये यहां पर दिया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। यहां हमने स्टार के बारे में पढ़ा, अब एक अलग से एक नई टर्म आ रही है, उसका नाम है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है नक्षत्र मंडल या तारा समूह। आपने आसमान में देखा होगा कई बार सप्तऋषि मंडल दिखता है, 7 तारों का एक ग्रुप दिखता है। तो कई ऐसे तारों के ग्रुप हैं आसमान में जो कि एक अलग आकृति को दिखाते हैं, उनको देखते हैं तो एक आकृति दिखाई देती है। ऐसे कई ग्रुप्स हैं स्काई आसमान में, तो यहां उन ग्रुप्स को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र मंडल या तारा मंडल, तारा मंडल, तारा समूह या नक्षत्र मंडल, ये कुछ भी अपन बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अब यहां पर देखिए क्या इसके बारे में लिखा है। सम स्टार्स यानी कुछ तारे कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से फॉर्म, फॉर्म यानी बनाते हैं। देखिए फ्रॉम अलग होता है, फॉर्म अलग होता है, फ्रॉम यानी तो से होता है, फॉर्म यानी बनाना। कुछ तारे कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से फॉर्म यानी बनाते हैं डिस्टिंक्टली रिकग्नाइजेबल पैटर्न्स। डिस्टिंक्टली मतलब अलग से, रिकग्नाइजेबल यानी पहचानने योग्य पैटर्न्स यानी तरीके, या पैटर्न का मतलब होता है तरीका, प्रकार। तो कुछ तारे सामूहिक रूप से एक अलग से पहचानने योग्य पैटर्न बनाते हैं, डिस्टिंक्टली रिकग्नाइजेबल, अलग से रिकग्नाइजेबल यानी रिकग्नाइज किए जाने योग्य यानी पहचाने जाने योग्य पैटर्न्स को बनाते हैं, एक प्रकार को बनाते हैं। इन द नाइट स्काई, रात के आसमान में, नाइट में जब रात का आसमान होता है तो कुछ ऐसे जो स्टार्स हैं वो कलेक्टिवली यानी मिल करके एक इस तरह के पैटर्न बनाते हैं जिनको डिस्टिंक्टली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अलग से उनको पहचान सकते हैं। दीज पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स होते हैं आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। इनको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, तारा समूह, तारा मंडल, नक्षत्र मंडल हिंदी में।
सम वेल नोन कॉन्स्टेलेशंस आर, कुछ वेल नोन यानी जाने पहचाने कॉन्स्टेलेशंस यानी तारा समूह, आर यानी हैं, कुछ जो वेल नोन जिनको सब जानते हैं ऐसे कॉन्स्टेलेशंस के बारे में यहां पर बताया गया है। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जिनको ज्यादातर लोग जानते हैं उन ऐसे कॉन्स्टेलेशंस हैं द ग्रेट बियर, एक का नाम है ग्रेट बियर यानी बड़ा भालू, आल्सो कॉल्ड उर्सा मेजर, इसको उर्सा मेजर भी कहते हैं, ये इसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं हिंदी में। हिंदी में जिसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं इंग्लिश में उसको ग्रेट बियर या उर्सा मेजर कहते हैं। लिटिल बियर भी है एक अलग से, उसको उर्सा माइनर कहते हैं, उर्सा मेजर यानी बड़ा, माइनर यानी छोटा। तो जो बिग बियर है, ग्रेट बियर है, उसको तो ग्रेट बियर को उर्सा मेजर कहते हैं और लिटिल बियर को उर्सा माइनर कहते हैं। एक ओरियन है, वो हंटर की जैसे दिखाई देता है यानी शिकारी की जैसे दिखता है, जैसे कोई तारों का एक ग्रुप ऐसा दिखाई देता है जैसे शिकारी शिकार करने के लिए कोशिश कर रहा है, ऐसा दिखता है, तो उसको ओरियन या हंटर कहते हैं। एक बिच्छू जैसा दिखता है वो स्कॉर्पियो होता है, द स्कॉर्पियन। कैनिस मेजर, इसको ग्रेट डॉग कहते हैं, कुत्ते जैसा दिखता है ये, तो कैनिस मेजर को ग्रेट डॉग कहते हैं। ये शेर जैसा भी दिखने वाला एक होता है, इसको लियो या लॉइन कहते हैं। एक बॉल जैसा दिखता है वो टाउरस कहलाता है। तो ये कुछ वेल नोन कॉन्स्टेलेशंस के नाम यहां पर दिए गए हैं। द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन, ये जो ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन है जिसको उर्सा मेजर भी कहते हैं, जिसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं, इज शेप्ड, इसकी आकृति होती है लाइक एन इंट्रोगेशन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की जैसे होता है। आप कभी सप्तऋषि मंडल को देखोगे, भले ही हम चम्मच जैसा भी कह सकते हैं इसको, इस तरह का, देखिए मैं आपको बता दूं ऐसा होता है, इसमें से फोर स्टार्स तो यहां होते हैं, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, ये इस लाइन पे होते हैं। तो ये जो सप्तऋषि मंडल, अब देखो इधर से अपन देखेंगे तो एक उल्टे प्रश्नवाचक चिन्ह का आकृति बन रही है, इंट्रोगेशन मार्क बन रहा है। ये सप्तऋषि मंडल है, 7 तारों का ये समूह है। इसकी जो शेप है, इसकी जो आकृति है, लाइक एन इंट्रोगेशन मार्क, ये एक इंट्रोगेशन मार्क की तरह होता है। एंड इट्स बेस, और इसका जो आधार है यानी ये वाला, ऑलवेज पॉइंट्स, हमेशा ये पॉइंट करता है टुवर्ड्स द पोल स्टार यानी ध्रुव तारे की ओर। आसमान में जब भी आप देखो, ध्रुव तारे की स्थिति चेंज नहीं होती कभी भी। ध्रुव तारा जो है इंग्लिश में जिसको पोल स्टार कहते हैं, उसकी जगह फिक्स है, रोजाना ध्रुव तारा अपनी जगह पे ही उगता है। उगता क्या है, अपने को दिखना शुरू होता है नाइट में। और ये क्यों दिखता है अपनी जगह पे, इसका भी कारण आएगा आगे, लेकिन ध्रुव तारे के बारे में ये बात बहुत ही पॉपुलर है और सब जानते हैं कि ध्रुव तारा अपनी जगह अटल होता है। वो बाकी तारे अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं लेकिन ध्रुव तारा है वो अपनी जगह फिक्स रहता है, उसके दिखने की जो जगह है वो एक ही रहती है। और ये जो 7 स्टार्स का ग्रुप है, ये जिसको उर्सा मेजर कह दें, ग्रेट बियर कह दें या सप्तऋषि मंडल कह दें, इसका जो ये नीचे वाले जो 3, ये जो 4, ये इसकी जो पूंछ है वो हमेशा ध्रुव तारे के सेंटर में रहेगी यानी ध्रुव तारे की सीध में रहेगी। ये बाकी का पूरा सप्तऋषि मंडल ऐसे घूमता रहता है, कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा, लेकिन सेंटर में ये पोल स्टार रहेगा, ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है ये जो सप्तऋषि मंडल है, उर्सा मेजर कह दो, ग्रेट बियर कह दो, ये पोल स्टार के चारों ओर ऐसे घूमता रहता है, ये उसके उसको सेंटर मान करके घूमता रहता है। तो यही बात यहां पर कही गई है। एंड इट्स बेस, और इसका जो बेस होता है, ऑलवेज पॉइंट्स, हमेशा पॉइंट करता है टुवर्ड्स द पोल स्टार, पोल स्टार की ओर। द पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, और पोल स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करता है यानी हमेशा उत्तर दिशा में उगता है, ये
जो ध्रुव तारा है जिसको पोल स्टार कहते हैं इंग्लिश में, अगर किसी को पता करना हो कि उत्तर दिशा किधर है तो पोल स्टार को देख सकता है। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में अराइज होता है, उगता है। तो ये और पोल स्टार अपनी जगह पर फिक्स है, नॉर्थ में उगता है हमेशा, लेकिन ये जो कॉन्स्टेलेशन है उर्सा मेजर या ग्रेट वियर या सप्तऋषि मंडल, ये उसको पॉइंट, इसका जो बेस है उसको पोल स्टार के चारों ओर घूमता है। पूरा का पूरा सेवन स्टार घूमेंगे लेकिन सेंटर में पोल स्टार रहेगा। यहां पर कुछ दिए गए हैं, ओरियन द हंटर, देखो ये दिख रहा है ना जैसे शिकारी तीर चला रहा है ऐसा दिखता है, इसलिए इसका नाम हंटर रख दिया, शिकारी या ओरियन भी कहते हैं इसको। ये है ग्रेट बियर उर्सा मेजर, ये है सप्तऋषि मंडल। इसमें तो हालांकि ज्यादा स्टार्स दे दिए हैं, बाकी सात तारे होते हैं, देखो ये वाले हैं, ये सात तारे होते हैं, तीन तो ये 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6 7, ये अपन को सात ही दिखाई देते हैं, बाकी के ये दिखते नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये स्टार, ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना आपको, ये उर्सा मेजर या सप्तऋषि मंडल है। एक कैनिस मेजर द ग्रेट डॉग, ये कुत्ते की तरह दिखता है, इसको अपन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कुत्ते की तरह दिखता है, तो इसलिए ग्रेट डॉग। तो ये कॉन्स्टेलेशन थे यानी तारा समूह इनको कहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है द सोलर सिस्टम, सौर परिवार। सोल मींस सन, SOL, एस सोलर सिस्टम में सबसे पहले क्या है, सोल, SOL। तो ये जो सोल का मतलब है सन, एंड सिस्टम रेफर्स टू द इट्स फैमिली, और जो सिस्टम शब्द आता है वो, और सोलर, सोल यानी हो गया सन, सोलर यानी सन का, जब AR लगता है तो का जुड़ जाता है, सन का, सिस्टम का मतलब है फैमिली यानी परिवार, सूर्य का परिवार, इसका मतलब ये हो गया। तो फिर से देखते हैं एक बार, SOL, सोल मींस सन यानी सोल का मतलब है सन, एंड सिस्टम रेफर्स टू इट्स फैमिली, और जो सिस्टम शब्द है वो संकेत संदर्भ करता है इट्स फैमिली, इसके परिवार से। द हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंड, दैट रिवॉल्व, जो घूमते हैं अराउंड इट, इसके चारों ओर, इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, एक निश्चित कक्षा में। देखिए जो सन है उसके चारों ओर जो घूम रहा है वो अपनी एक निश्चित कक्षा में घूमता है, बस सन से उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो फिक्स है, वो उसी कक्षा में घूमता है, कोई दूसरा है उसकी अपनी अपनी, इसको कक्षा को, जिस कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं इंग्लिश में, डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। देखो घूमना भी दो प्रकार का होता है, एक तो चारों ओर घूमना, इसको तो रिवॉल्व कहते हैं, और एक अपनी जगह पे भी घूमता है, कोई कोई ऐसे ऐसे गोल गोल, तो उसको रोटेशन कहते हैं। तो दो प्रकार की मूवमेंट होती है, एक तो रिवॉल्विंग और एक रोटेशन। तो ये जो सन के चारों ओर घूमते हैं ये रिवॉल्व करते हैं, इसलिए लिखा है द हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंड, दैट रिवॉल्व, जो कि चारों ओर घूमते हैं, अराउंड इट, इसके चारों ओर, इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, इसके निश्चित कक्षा में। जो फैमिली कौन है इसकी वो बताई गई है, कि इसकी फैमिली, जो सन की फैमिली कौन है, वो सारे हेवनली बॉडीज जो कि डेफिनेट ऑर्बिट में इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, वो इसकी फैमिली है सन की। दीज हेवनली बॉडीज, ये खगोलीय पिंड, दैट कंस्टिट्यूट, जो बनाते हैं द सोलर फैमिली, सूरज का परिवार, आर यानी हैं, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। अब इस फैमिली में है कौन कौन, 8 तो प्लैनेट्स हैं यानी 8 तो ग्रह हैं, एंड देयर सैटेलाइट्स, और उनके उपग्रह हैं, मून्स भी कह सकते हैं, सैटेलाइट को मून भी कहते हैं, जैसे अर्थ का सैटेलाइट 1 है हम उसको मून कहते हैं, ऐसे जो जो दूसरे और भी प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं धरती, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसमें से एक हमारा अर्थ भी है। जैसे हमारे धरती का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे ही दूसरे कई ग्रहों के भी उपग्रह हैं, अपना तो एक ही है, कईयों के ज्यादा भी हैं, तो उनको मून ही कहते हैं, सभी को मून कहते हैं। अर्थ का जो सैटेलाइट है वो भी मून कहलाता है, और बाकी और भी जो दूसरे प्लैनेट है उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो भी मून कहलाते हैं।
तो ये जो सूर्य का परिवार है, जो सन की फैमिली है, उसमें कौन कौन है? उसमें 8 प्लैनेट्स यानी 8 तो ग्रह हैं, एंड देयर सैटेलाइट्स और उनके उपग्रह सैटेलाइट्स हैं, जिनको मून्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें और है, एक मेटोर्स यानी उल्काएं भी होती है सोलर फैमिली में, कॉमेट्स यानी धूमकेतु होते हैं, एंड एस्टियोरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे ग्रह भी। छोटे का मतलब ये नहीं है कि कोई सुई जितने या चींटी जितने, छोटे का मतलब है, छोटे का मतलब भी, अब जहां पर धरती जैसे ग्रह हैं, जहां बड़े बड़े ग्रह हैं वहां छोटे का मतलब हो गया धरती का कोई हिस्सा, मान लो आप उसको भी ग्रह मानते हैं लेकिन छोटा ग्रह मानते हैं, उसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। तो ये सारे सब चीजें, ये सारी हेवनली बॉडीज यानी ये सारे खगोलीय पिंड मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हो गए, उनके सैटेलाइट्स हो गए जिनको मून्स भी कहते हैं, उसके अलावा भी कुछ और भी ये हेवनली बॉडीज होती है, जैसे मेटोर्स, ये बार बार आएंगे ये नाम, इसलिए ध्यान रखना है आपको ये क्या है। मेटोर्स कहते हैं उल्काओं को, ये भी टुकड़े होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं बड़े बड़े पिंडों के टूटे हुए। ऐसे ही कॉमेट्स धूमकेतु होते हैं, इनके पूंछ लगी हुई रहती है लंबी, ये कॉमेट्स कहलाते हैं। और एस्टियोरॉइड्स यानी उतने बड़े तो नहीं है, थोड़े छोटे पिंड होते हैं ये, इनको क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र यानी छोटा होता है, एस्टियोरॉइड्स कहते हैं। तो यहां पर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, सोलर सिस्टम की एक डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अब हम एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर एक एक चीज के बारे में कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मेटोर्स क्या होते हैं, अभी अभी नाम पढ़े हैं इन सब के अपन ने, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। मैं एक चीज आपको देना चाहता हूं, ये रिटन में तो नहीं है, ओरल आपको करनी है, याद करना है इस चीज को, ये आपका होमवर्क है आज। देखिए सूरज के जो 8 उपग्रह, 8 जो प्लैनेट हैं, ग्रह हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, 8 प्लैनेट्स, उनके नाम याद करने हैं, और उनके नाम को याद करने का एक सूत्र है। देखो ये सूत्र है, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। वैसे तो इस सेंटेंस का मतलब तो क्या है, मेरी बहुत ही शिष्ट माता जी ने अभी अभी परोसे हैं हमें नूडल्स। इसका मतलब तो ये निकल रहा है कि मेरी बहुत ही अच्छी माता जी या शिष्ट माता जी ने अभी अभी हमें नूडल्स परोसे हैं। नूडल्स क्या होते हैं? मैगी। लेकिन बात यहां पर इसके अर्थ की नहीं है, ये तो जुगाड़ करके बनाया हुआ सेंटेंस है। इसमें जो शब्द हैं उनके फर्स्ट लेटर जो हैं वो उनके नामों को प्रकट करते हैं, प्लैनेट्स के नामों को। जैसे एम है सबसे पहले, तो एम से बन गया मरकरी। दूसरा वर्ड है वेरी, वेरी का फर्स्ट लेटर है वी, तो वी से बन गया वीनस। तीसरा है एलिजेंट यानी ई का बन गया अर्थ, धरती अपने तीसरे नंबर पे आती है। मदर का एम, तो मार्स बन गया एम से। फिर जस्ट का जे, जे से बन गया जुपिटर। फिर एस, एस से बन गया सैटर्न। यू, यू से बन गया यूरेनस, और एन से बन गया नेपच्यून। तो ये ऐसे तो क्या है, कई बार भूल हो जाती है कौन सा पहले है कौन सा बाद में। ये वाक्य अगर याद कर लिया जाए, माई वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो फिर अपन क्या है कि इनका फर्स्ट लेटर से अपने को याद आ जाएगा। और अदरवाइज आप ऐसे सीधा याद करना चाहो तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये इसका क्रम है। इनके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस बार आप ये काम कर लो, आप इसको लर्न कर लो, नंबर से याद होने चाहिए सारे प्लैनेट्स के नेम। और ये जो इसका सूत्र दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, माई वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ये भी याद करना है। और इसके द्वारा जो इसके हेल्प से जो हम किस तरह से प्लैनेट्स के नेम लिख सकते हैं, ये तरीका भी हमें पता होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू एंड बाय।